हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद नई माएँ कैसे अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए खा सकती हैं ये इंडियन सुपर फूड। तो चलिए जान लेते हैं हमारी इस वीडियो में कौन कौन से हैं वो इंडियन सुपर फूड जो महिलाओं को डिलीवरी के बाद ज़रूर खाने चाहिए। इससे उनका शरीर तो फिट रहेगा ही, साथ ही उनका स्टैमिना पावर भी बढ़ता है। डिलीवरी के बाद हर महिला का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि एक नन्ही सी जान का जन्म देना कोई आसान काम नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अपना खूब ध्यान रखना होता है। हालांकि डिलीवरी के बाद सारा ध्यान न्यूबॉर्न बेबी की तरफ चला जाता है, लेकिन शिशु के साथ डिलीवरी के बाद महिला का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। आज हम आपको डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले कुछ हेल्दी फूड्स के बारे में बताएंगे, जो प्रसव के बाद शरीर को बिल्कुल फिट रखने में मदद करेंगी। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो सुपर फूड। नंबर 1, गोंद। प्रेगनेंसी के बाद गोंद के लड्डू जोड़ों को लुब्रिकेंट करने में मदद करते हैं और कमर दर्द के साथ जोड़ों के अन्य दर्द को भी कम करते हैं। ये स्तनपान कराने वाली माँ के शरीर के पोषण के लिए उन्हें दिया जा सकता है। ये वसा और रेशे से भरपूर होता है और स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतीक्षा के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 2, अजवाइन। माना जाता है कि अजवाइन ना सिर्फ पेट दर्द और गैस से निजात दिलाता है, इससे ब्रेस्ट मिल्क का दूध भी बनता है। आयुर्वेद में अजवाइन को एक औषधि के तौर पर बताया गया है। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। महिलाएं डिलीवरी के बाद अजवाइन के परांठे से लेकर हलवा तक खा सकती हैं। इससे उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। नंबर 3, सॉल्ट। डिलीवरी के बाद महिला को सॉल्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो इसके लड्डू बनाकर भी खा सकती हैं। इसमें खूब सारा देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालें, जो डिलीवरी के बाद महिला में होने वाली कमियों को पूरी करने में मदद करेगा। नंबर 4, दालें। दालों में प्रोटीन के अलावा अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। डिलीवरी के बाद दाल को उबालकर उसका सूप बनाकर पीने से काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा मूंग दाल का हलवा भी बनाकर खिलाएं, इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा और कमजोरी भी दूर होगी। नंबर 5, साबुत अनाज। डिलीवरी के बाद नाश्ते में साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है। नाश्ते में ओट्स, दलिया आदि का भी सेवन करें, इससे भी महिला को पोषक तत्व मिलते हैं। नंबर 6, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आयरन भरपूर होता है, जो महिला के शरीर में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ शिशु को भी फायदा देता है। खास कर की पालक का सूप या सब्जी बनाकर आपको खाना चाहिए। नंबर 7, दूध का सेवन। दूध से बनी चीजों का सेवन भी महिला के लिए बहुत जरूरी है। इससे शरीर को कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे शिशु की हड्डियों का विकास और महिला के शरीर में डिलीवरी के दौरान आई कमजोरी भी दूर होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि डिलीवरी के बाद कैसे नई माएँ अपने स्टैमिना पावर को बढ़ा सकती हैं। अगर आप भी ये खाएंगी इंडियन सुपर फूड, तो इससे आपका स्टैमिना पावर बढ़ेगा और आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।